खरगोन जिले के आबकारी विभाग ने जिला कलेक्टर अनुग्रह पी के निर्देश पर दो दिन तक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसमें अवैध शराब निर्माण करने वाले लोगों को पकड़कर भारी मात्रा में महुआ लहान सैकड़ों लीटर शराब के साथ 6 लाख रुपए के अवैध जखीरों को जब्त करके मामला पंजीबद्ध किया। बता दें कि अभियान के तहत जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान आबकारी अधिकारी आर एस राय ने बताया कि इस बार उन्होंने इलेक्ट्रिक रॉड से बिजली चोरी करके शराब बनाने वाले लोगों को पकड़ा, जो बड़ी चिंता का विषय है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बात अपन लोगों को समझ में आई है कि इनके द्वारा बिजली चोरी कर और इमर्सन रॉड प्लास्टिक के ड्रमों में चार चार पाँच पाँच इमर्सन रॉडों का रॉड को सेट करके और उसको उससे शराब बनाई जा रही है। शराब बनाने में ये लकड़ी का या जो परंपरागत तरीके हैं उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं और पूर्णतः आधुनिक तरीके से और चोरी की बिजली से इन लोगों द्वारा जो है अवैध शराब बनाई जा रही है। थैंक यू। कहाँ पे रहे थे, कितने गांव में कार्रवाई किस तरह? लॉकडाउन के बाद अवैध शराब बिक्रे की बहुत खबरें आ रही थी। माननीय कलेक्टर महोदय श्री अनुग्रह श्रीमती अनुग्रह पी के निर्देशन पर और सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे जी के मार्गदर्शन पर आबकारी टीम खरगोना बसवा एवं बिकन गाँव की टीम द्वारा कल दिनांक 23/6/2021 को एवं आज 24/6/2021 को दो कार्रवाइयाँ की गई। कल हम लोगों ने बिस्टान और कावली तरफ कार्रवाइयाँ की थी। आज हम लोगों ने बागदरा दाऊदखेड़ी रेटवा एवं ककड़गांव कुल 4 गांवों में कार्रवाइयाँ की। 1/34/2 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया पेर सिंह पिता बन सिंह और चार लोगों के विरुद्ध 34 क का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 3 गिरफ्तारियां हुई और 2 प्रकरण अज्ञात बने। इस प्रकार कुल इतने प्रकरण बने और करीब करीब 10,000 लीटर महुआ लहान कल की कार्रवाई में आज की कार्रवाई में 10,000 लीटर महुआ लहान है और करीब 250 से 300 लीटर करीब कच्ची शराब जब्त की गई। लेकिन कुल कितनी लागत का सर ये पूरा अमाउंट? लागत अनुमानित करीब 6-7 लाख की है इसका अनुमानित कीमत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।